आज की कहानी भारतीय इतिहास की उस वीरांगना की है जिसकी बहादुरी के आगे अकबर की सेना भी कांपती थी। दोस्तों, भारत में वैसे तो वीरों की बात की जाए तो इतिहास में अधिकतर पुरुष योद्धाओं के नाम निकल कर ही हमारे सामने आते हैं, मगर इस धरती पर कुछ ऐसी वीरांगनाएं भी हुई हैं जिन्होंने इन नामों से अलग हटकर अपनी पहचान बनाई और नारी शक्ति की परिभाषा इस दुनिया को बताई है। मध्यकाल में ऐसी ही एक वीरांगना थी जिन्हें इतिहास में चांद बीबी उर्फ चांद खातून उर्फ चांद सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। चांद बीबी का जन्म सन 1500 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। उनके पिता अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह थे। अपने क्षेत्र में उनका बड़ा रुतबा और सम्मान था। चांद बीबी जब छोटी थी तभी उनके पिता का इंतकाल हो गया। माँ घरेलू महिला थी, लेकिन बावजूद इसके पति के निधन के बाद उन्होंने राजकाज संभाला, क्योंकि चांद बीबी की परवरिश राजघराने में हुई थी, जिसके चलते उसने अच्छी घुड़सवारी सीखी। पढ़ाई में तेज होने के कारण उसने फारसी, अरबी के अलावा मराठी भाषा भी सीखी। चांद बीबी जब महज 14 साल की थी, उसका निकाह बीजापुर सल्तनत के अली आदिल शाह प्रथम से कर दिया गया। वे राजकाज में अपने पति के साथ रम गई, लेकिन सन 1580 में जब उसके पति आदिल शाह की भी मौत हो गई, तब गद्दी पर बैठने वालों के बीच मारकाट मच गई। बाद में भतीजा इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर की गद्दी पर बैठा और बैकग्राउंड से चांद बीबी राज्य व्यवस्था को संभालने लगी। उस दौरान एक महिला का सत्ता में होना बहुत से पुरुषों को रास नहीं आ रहा था। इस वजह से उसे सत्ता से बाहर करने के लिए उसके खिलाफ खूब साजिशें होने लगी। उसके सबसे भरोसेमंद मंत्री कमाल खान ने ही विश्वासघात किया और सबसे पहले सुल्तान इब्राहिम को गद्दी से हटाया, फिर चांद बीबी को जेल में डालकर खुद सुल्तान बन गया। लेकिन उससे गद्दी संभाली नहीं जा सकी। पड़ोसी राज्यों ने बीजापुर पर हमला कर दिया, जिसके बाद चांद बीबी ने इस हमले से बचने के लिए मराठाओं की मदद ली। वक्त के साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्य मुगलों के अधीन हो गए, लेकिन चांद बीबी मुगलों के आगे कभी नहीं झुकी। चांद बीबी ने बड़ी दिलेरी दिखाते हुए अकबर जैसे सम्राट का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अहमदनगर पहुंचने के बाद चांद बीबी को खबर मिली कि मुगल सम्राट अकबर उस वक्त उत्तर भारत का शक्तिशाली सम्राट था। सम्राट ने अपने सत्ता के विस्तार के लिए अपने दूतों को अहमदनगर समेत दक्षिण भारत के हिस्सों में भेजा कि सभी राज्य अकबर की सत्ता को स्वीकार कर ले, लेकिन चांद बीबी नहीं झुकी। चांद बीबी ने अपनी तीव्र बुद्धि और साहस का परिचय देते हुए अहमदनगर की सेना की शानदार तरीके से अगुवाई की। वे अहमदनगर के किले को बचाने में तो सफल रही, लेकिन शाह मुराद ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर युद्ध करने का फैसला किया, जिसके बाद इस बड़े आक्रमण से मुकाबला करने के बाद चांद बीबी ने गोलकोंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह से मिलकर लड़ने की अपील की। चांद बीबी अंत तक चांद मुगलों को मात देने में जुटी रही, लेकिन उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति मोहम्मद खान मुगलों से मिल गया। चांद बीबी को अपनों से ही धोखा मिला। सम्राट अकबर ने यहाँ जीत हासिल कर ली, लेकिन चांद बीबी इतिहास में वीरता, साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक बन चुकी थी।